पावर तो केसीआर साहब दी है जी। कांग्रेस वाले जब भी बड़ी स्टेट थी, 24 डिस्ट्रिक्ट थे, आंध्र तेलंगाना मिलाकर, कभी भी देते तो मुसलमान को माइनॉरिटी मिस्ट्री देते थे जी। कोई बड़ी मिस्ट्री आज तक नहीं किया। केसीआर साहब ने छोटी स्टेट में तेलंगाना बनने के बाद 2014 में पहली हुकूमत के अंदर, मैं एक मुसलमानों का खादिम हूँ, मुस्लिम भाई हूँ, मुझे सीएम साहब ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा दिया। ये मुसलमानों के लिए इज्जत की बात नहीं है। रेवेन्यू मिनिस्टर क्या कांग्रेस एक साल दो साल या 50 साल रूल की, कभी मुसलमान को डिप्टी सीएम दी या रेवेन्यू मिनिस्टर दी जी। नहीं दी। तो कांग्रेस हमेशा इख्तियार कभी दी जी। तो एक दो लोगों को होम मिनिस्टर बनाई थी, मीर अहमद अली खान साहब को जी। वो बहुत जल्दी पीरियड करने नहीं दी। उसके बाद एमएम हसन साहब को दी, वो एक साल भी कर नहीं सके। आज अल्लाह के फल से मैं मुकम्मल 5 साल का दौर मुकम्मल कर चुका हूँ और इतना अच्छा अमन भाईचारगी। अगर मुसलमानों को इज्जत देने वाले हैं तो केसीआर साहब है। हमारा चूंकि एमएम के साथ थोड़ा सा अलायंस है जी, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना की है। हालांकि तेलंगाना मूवमेंट में वो हमारे साथ नहीं थे और बाद में हमारे साथ जुड़ गए, तो अभी तक उनको भी हम मदद करते हैं। तो 7 जो एमएलए उनके जीतते हैं ना, मुस्लिम एमएलए मुस्लिम ही से, वो मुसलमान नहीं है क्या पूछता हूँ जी। उनको 2 एमएलए से दी गई, वो मुसलमान नहीं। पहले इससे पहले फारूक साहब को भी दी गई, फरीद साहब को भी दी गई एमएलए टीआरएस के, अभी एमएम के 2 एमएलए को दी गई। उसी तरह 7 एमएलए को बराबर हम सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेट वो भी मुस्लिम एमएलए हमारी तरफ से ही मदद से मुंतखब होते हैं। तो ये देने वाले केसीआर साहब है, पूरी पूरी जद कांग्रेस ने क्या दी बताइए, क्या दी मुसलमानों को? कभी इस तरह का अमन दी, इस तरह का तरक्की के हालात बनाए, इस तरह एजुकेशन दी, हर शोबहर में तरक्की देने के मौके फराम करने वाले कोई लीडर तो केसीआर साहब है जी। तो ये बकवास है रेवंत रेड्डी का। और रेवंत रेड्डी जो है हमेशा बेकार बातें ज्यादा करते है। आवाम को मैं बताता हूँ कि वो समझदारी से कम बात करते हैं, पावर की ज्यादा बात करते हैं, ये गलत बात है। केसीआर साहब ने बहुत इज्जत दी मुसलमानों को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया मुसलमानों को, मामूली बात नहीं है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आवाम से भी हम अपील करते हैं, हमारा भी फल बनता है केसीआर साहब को सपोर्ट करें। तीसरी मरतबा कार के निशान को उड़ा के बड़ी मेजोरिटी से जीतकर उनके हाथ मजबूत करें। स्टेट और सेंटर के रिलेशन एक लिमिट तक रहते, मगर हमारा तो बहुत झगड़ा रहा है पूरा जो है। 10 साल तो लड़ते रहे बीजेपी से, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बीजेपी को अगर सत्ता तनकीद करने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब। उन्होंने इस हद तक तनकीद की है कि हमेशा मोदी साहब को कहा कि आप तेलंगाना हिंदुस्तान को बैकवर्ड बना दिए। और ऐसा है जिस तरह आग और पानी का जो कभी मेल नहीं हो सकता, तेल और पानी का कभी मेल नहीं हो सकता, उसी तरह टीआरएस बीआरएस पार्टी और कांग्रेस का कभी मेल नहीं होगा। मैं कहता हूं कि मरने तक भी कभी हमारा कभी बीजेपी के साथ कभी भी उनके साथ अलायंस नहीं होगा। ये गलत अफवाह, क्योंकि कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को बीजेपी से डरा के उड़ देते रहे। आज बीआरएस को बदनाम भी कर रही है। हमारी जरूरत क्या है हमारी बताइए? आप जब भी मोदी साहब आते हैं 50 गालियां देके जाते हैं, केसीआर साहब तो 100 गालियां देते रहते हैं हमेशा मोदी साहब को। हमेशा कहते हैं कि नाहल चीफ मिनिस्टर बगैर नान तालीम में आपका कभी अच्छा एजुकेटेड नहीं है, वो आदमी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट रख के जो है लोगों को बता रहे हैं। तो हमेशा केसीआर साहब का और मोदी साहब का तो झगड़ा चलता रहता है। ये सिर्फ कांग्रेस की एक चाल है मुसलमानों को कन्फ्यूज करने के लिए, उनको वोट को रोकने के लिए एक हरबा इस्तेमाल करे। मैं एक ही बात बताता हूँ याकूब भाई, कांग्रेस की सरपरस्ती कौन कर रहे हैं? रेवंत रेड्डी ना जी सर। रेवंत रेड्डी का बेस क्या है आप देख लीजिए। रेवंत रेड्डी की इब्तदाई जिंदगी जो है आरएसएस से शुरू हुई, संघ परिवार से शुरू हुई, बाद में वो हमारी टीआरएस में भी आए थे 2004 में, फिर टीडीपी में चले गए। आप देखिए इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ऑफिसर मेजाज मलकपेट शादीखाने में आके तोबा तोबा कर रहे थे कि अब तो मैं बीजेपी से नहीं मिलूंगा। आज जब जब वो बीजेपी से अलायंस हुआ उनका चंद्रबाबू नायडू साहब का, उसमें हमारे रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि उनका ताल्लुक पहले से ही आरएसएस से था। तो मैं एक वायदा करता हूं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से, बीआरएस पार्टी मरने पर भी कभी कभी भी ये जन्म में नहीं, आने वाले जन्म में कभी जिंदगी में, जब तक पार्टी हमारी रहेगी कभी भी बीजेपी से ना पहले अलायंस किए ना आगे कभी अलायंस करेगी। ये सरासर हम पे इल्जाम है, गलत है।
मैं तमाम आवाम से ये वायदा भी करता हूं, क्योंकि मैं भी पार्टी के साथ 2001 से लगा हूं। हमारे केसीआर साहब बहुत सेकुलर इंसान है, मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, आज गंगा जमुना तहजीब के कर्मदार है, लोग उन्हें गांधी कहा करते हैं, क्योंकि मैं यकीन से कहता हूं गांधी जी के नजरिया थे हिन्दुस्तान की आजादी के पहले और आजादी के बाद, हमारे केसीआर साहब के भी वही नजरिया थे। तेलंगाना मूवमेंट 14 साल चला है, तेलंगाना आने के बाद हमारी स्टेट के अंदर नंबर वन स्टेट इंडिया में जहां पर गंगा जमुना तहजीब, हमारे स्टेट में गंगा है ना जमुना है, हमारे कल्चर एक जमाने से हिंदू मुस्लिम के तहजीब को गंगा जमुना कहते हैं, वो तहजीब को आपको नजर आती तो इस तेलंगाना में आती है। मैं आवाम को तहखन देता हूं, केसीआर साहब ने भी कई बार दिया है, कभी भी हम कभी भी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। करंट में माइनस स्टेट थी जी। 2014 से पहले आप देखेंगे करंट की बड़ी किल्लत थी तेलंगाना के, रोजाना 4 घंटे से 6 घंटे तक ब्रेकडाउन दिया जाता था जी। इंडस्ट्रीज को 3 दिन हॉलीडेज दिया जाता था, फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर गलती से कोई आदमी इंडस्ट्री चला दिया सैटरडे के दिन या फ्राइडे के दिन तो बहुत बड़ी पेनल्टी लगती थी। हर इंडस्ट्री को एक कोटा मुख्तस कर दिया गया था, कोटे से बढ़ के अगर कोई जला लेता तो उसको बहुत बड़े बड़े पेनाल्टीज होते थे जी। तो इसलिए उस वक्त जब तेलंगाना बना तो बहुत से बड़े बड़े लीडर्स ये कहते थे कि आपके पास करंट ही नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर हमारे सीएम साहब ने पावर में आने के बाद जिस हिकमत अमली से तेलंगाना हुकूमत को पावर में सरप्लस किया है उसकी मिसाल नहीं दे सकते। आज इंडस्ट्री, आज पावर बहुत सरप्लस पावर है, कभी पावर बंद ही नहीं होता जी, सही। 24 घंटे खुला रहता है, किसानों को 24 घंटे दिया जाता है। मैं तो परसों घर में जाके ताजुब करा जी, याकूब भाई जी। सलम एरिया में लिफ्ट काम कर रहा था, अरे मैंने वो आदमी से पूछा क्या भाई आपके घर में, हाँ साहब बहुत गरीब आदमी हो साहब जी, छोटा घर है साहब 100 गज का 3 फ्लोर का, हालदा साहब के पाँव में दर्द है, अब बहुत करंट है ना साहब बंदे होता ना, छोटा सा लिफ्ट लगा लिया साहब अम्मा के पास से, वो केसीआर साहब की मेहरबानी है, मैं तो पहले लिफ्ट में बंद हो जाते लोग 3-3 घंटे बंद हो जाते, तो लोग सलम एरिया में भी लिफ्ट लगा रहे हैं, ये सब चलेगा, जनरेटर सिस्टम खत्म हो गया पूरा। तो आज हर तरीके से पावर में सरप्लस स्टेट है, 24 घंटे करंट आता है, बगैर रुकावट के करंट आता है। तो ये तेलंगाना की तारीख है, बहुत बड़ा अचंबा है, उसके लिए हम सीएम साहब के शुक्रगुजार हैं जो 24 घंटे करंट बगैर किसी रुकावट के सारे आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इंडस्ट्रीज भी सबसे ज्यादा हमारे स्टेट में आ रहे हैं। हमारे जो केटी रामाराव जो बहुत डायनेमिक मिनिस्टर है, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में जाकर, क्योंकि हम जो मिनिस्टर्स दूसरे होते वो स्टेट के हद तक ही चलाते हैं, मगर के टी रामाराव साहब को फॉरन कंट्रीज जाकर कन्विंस करके वहां से इंडस्ट्रीज को लाते हैं, तो बहुत कॉम्पिटिशन होता है, तो सक्सेसफुल तरीके से ला रहे हैं। और उसमें सबसे अहम दारोमदार पावर का होता है, पावर 24 आवर्स प्रोवाइड करने का एश्योरेंस देते हैं और प्रोवाइड भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत से इंडस्ट्रीज यहाँ है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, मुलाजमतें मिल रहे हैं, उसके लिए हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जब हमारा तेलंगाना स्टेट बनी, बनने के बाद सीएम साहब ने देखा यहाँ जो उम्र रसीदा लोग बड़े परेशान थे जी, सीएम साहब ने इमीडिएट जो आसरा पेंशन के नाम से स्कीम है, साबिका में पहले 75 रूपये मिला करते थे, बाद में 200 तक आए, सीएम साहब ने इमीडिएट 2116 रूपये किया। अब बेहिसाब लोगों, आज मैं समझता हूँ इस तेलंगाना स्टेट के अंदर आसरा पेंशन में 43,68,000 लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, 43 लाख लोगों को दिया जाता है हमारी स्टेट के अंदर पेंशन जी। और टोटल हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने से आज तक 64,477 करोड़ रूपये सिर्फ आसरा पेंशन में दिया, और आने वाले टाइम पर सीएम साहब ने हर साल जी। पहले तो इमीडिएट गवर्नमेंट में 2,000 से 3,116 करने वाले हैं जी, उसके बाद हर साल 500 रूपये इजाफा करने वाले हैं जी। तो ये नेक्स्ट टाइम पे जो हमारा टर्म रहेगा बीआरएस पार्टी का 5 साल का, 5,116 तक पेंशन हो जाएगा। आप बताइए एक फैमिली के लिए, एक उम्र रसीदा आदमी के लिए इतना बड़ा पेंशन
हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं है। सही। और इस आसरा से बहुत बड़ा लोगों को राहत मिल रही है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बहुत हाथ उठाकर दुआ देते हैं कि आसरा की पेंशन की वजह से हम घर में अच्छा सा जो भी है जिंदगी गुजार रहे, उसके लिए हम सीएम साहब का शुक्रिया। जी सर, शुक्रिया। सर, ये कांग्रेस गवर्नमेंट वाले फ्री स्कीम्स बोल के बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सही सर? सर, ये कांग्रेस तो पावर में आती नहीं, इसलिए झूठे झूठे स्कीम की बात कर रही है। जी सर, केसीआर साहब एक ऐसे आदमी है जो प्रैक्टिकल काम करने वाले। आज हमारे तेलंगाना स्टेट में आपको छोटी एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे स्टेट में 10 साल कांग्रेस यहाँ रूल की, अभी कुछ दिन पहले, बट टोटल अगर आप देखें तो 50 साल रूल की हमारे स्टेट के अंदर। कोई भी स्कीम, राशन क्या देते थे बताइए आप? 4 किलो राशन देते थे पर हेड, और मैक्सिमम 4 मेंबर से, मियां बीवी 2 बच्चे। सीएम साहब आने के बाद उसमें इजाफा करते हुए 6 किलो किए, और जितने मेंबर है आपके घर के अंदर, चाहे 15 मेंबर हो टोटल, मियां बीवी और बच्चे मिलाकर 16 मेंबर हो जी, उन्हें पूरा मुकम्मल राशन मैं देखा हूँ। कई मैं सिविल सप्लाई की लिस्ट में देखा हूँ, लोग 90 किलो राशन भी उठा रहे हैं हमारे पास, जो खासतौर से मुस्लिम भाई जिसकी फैमिली बड़ी है, बच्चे ज्यादा है। और अब तो इस मरतबा नेक्स्ट टाइम सीएम साहब ने नेक्स्ट आने वाली हुकूमत में बारीक चावल देने का वादा किया, फाइन राइस। तो यकीनन आवाम को सोचना चाहिए, ये टाइम पर इतना अच्छा आसरा पेंशन देने वाला सीएम हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है, इतना राशन सिविल सप्लाई से प्रोवाइड करने वाला सीएम कहीं पर भी नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि हम कारगर निशान को वोट लगाकर हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत। सर, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गए तो बस में फ्री में जाने देते ये बोल के या भाई बसों में फिरते रहते क्या बताइए जी? हम भी कई लोगों को सब बोलने का बकवास है जो कर्नाटक के बात हम बता रहे हैं, वहाँ सिर्फ उम्र रसीदा लोगों को, हमारे पास भी फ्री है जी। कई आप जो उम्र रसीदा लोगों के लिए कई फैसिलिटीज है। ये तो कब से की आपने पास? बहुत पहले से जिसे कांग्रेस धोखा देने की बात करी। अच्छा। गैस का सिलेंडर सीएम साहब ने 400 रूपये कर दिया, इससे बढ़ के क्या बताए? गैस का सिलेंडर चाहिए, बस में फिरने का चाहिए? बोलिए, वो भी सही। बस में कितने बार फिरते, एक आध बार जाते कब जा रहे? लेकिन हम भी वो ऐसे जो लोग हैं खासतौर से हमारे हैंडीकैप लोगों को तो कोई चार्जेस नहीं है जी। और जो दूसरे लोग भी उम्र रसीदारों के लिए भी पास बना के देते हैं, ये बहुत पहले से हमारे पास स्कीम राइज है और इसको अच्छी तरीके से और भी लोगों को सफर को आसान बनाने के लिए और सफर में भर पैसों के खर्चे के सफर करने के लिए जरूर अच्छी तरीके से उसको बनाया जाएगा। और हमारा तेलंगाना स्टेट में जितने अच्छे अच्छे स्कीम मिलते रहे, मैं समझता हूँ इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है। अब तो इलेक्शन का टाइम है, झूठे झूठे वादे कर रहे, मगर जब वो पावर में है तो अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आज क्या हाल भरोसा करते थे हम तो खाली उन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते जी। पावर के लिए राहुल गांधी साहब बात कर रहे जी। कुछ हमारे तेलंगाना में बहुत अच्छा हमारे केसीआर साहब ने रूल किया, हमें पूरी उम्मीद है इस मरतबा 100 सीट से ज्यादा हम जीतेंगे और आवाम से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो धोखा मत खाइए। हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा कि एक बार जो धोखा खा चुके तो बार बार वैसे आदमी से धोखा नहीं खाना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा है।